विद्या भारती द्वारा संचालित ऑनलाइन कक्षाओं में आप सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत है। आज की ऑनलाइन कक्षा में हम पढ़ेंगे विषय विज्ञान कक्षा आठ अध्याय तीन संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक। जो ये पाठ है ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज हम संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक पाठ के पाठ पुस्तक के प्रश्न उत्तरों को करवाने जा रहे हैं। सभी भैया बहन ध्यानपूर्वक समझेंगे और समझने के बाद जो अभी हमने प्रश्न दिए हैं एक से छह तक आज करवा रहे हैं, बाकी के अगले वीडियो में करवाएंगे। तो इस काम को आप होमवर्क वाली कॉपी में जरूर उतारें। प्रश्न नंबर पहला है, कुछ रेशे संश्लेषित क्यों कहलाते हैं। प्रश्न है, कुछ रेशे संश्लेषित क्यों कहलाते हैं। क्योंकि कुछ रेशे प्राकृतिक स्रोतों द्वारा प्राप्त नहीं होते हैं, उन्हें मानव द्वारा बनाया जाता है। संश्लेषित रेशे की कच्ची सामग्री पेट्रो रसायनों से मिलती है, जो जीवाश्म ईंधन पेट्रोलियम आदि से बनती है। अगला है क्वेश्चन, सही उत्तर को सही के चिन्ह लगाना है। पहला है यानी कै, इसका रूप रेशम समान होता है। दूसरा है इसे कैश नियुक्ति से प्राप्त किया जाता है। गह है इससे रेशों को प्राकृतिक रेशों के समान बुना जाता है। तो इसमें आएगा कै, इसे कैश नियुक्ति से प्राप्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, उचित शब्दों द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। संश्लेषित रेशे यहाँ खाली जगह है अथवा ये खाली जगह है, रेशे भी कहलाते हैं। यानी कि संश्लेषित रेशे कौन कौन से रेशे भी कहते हैं। तो पहली खाली जगह में संश्लेषित रेशे, कृत्रिम रेशे अथवा मानव निर्मित रेशे भी कहलाते हैं। इसी प्रकार दूसरी खाली जगह है, संश्लेषित रेशे कच्चे माल से संश्लेषित किए जाते हैं, जो क्या कहलाते हैं, जो कच्चे माल से तैयार किया जाते हैं उनको बोलते हैं पेट्रो रसायन। संश्लेषित रेशों की बाकी प्लास्टिक भी एक खाली जगह में आएगा, संश्लेषित रेशा है। क्वेश्चन चौथा है, नाइलॉन रेशों से निर्मित दो वस्तुओं के नाम बताइए जो नाइलॉन रेशों की प्रबलता दर्शाती हो। पहला है पैराशूट, दूसरा है तंबू रस्से। ये नायलॉन की प्रबलता को दर्शाते हैं। अगला क्वेश्चन है, खाद्य पदार्थों का संचयन करने हेतु प्लास्टिक पात्रों के उपयोग के तीन प्रमुख लाभ बताइए। यानी कि जो खाद्य पदार्थों को रखने के लिए प्लास्टिक के पात्रों का हम उपयोग करते हैं तो उनका लाभ क्या है। पहला लाभ है, ये भोजन पानी और वायु से क्रिया नहीं करते। यानी कि प्लास्टिक होता है वह भोजन पानी और वायु से कोई अभिक्रिया नहीं करते। दूसरा लाभ है, यह मजबूत और हल्के भी होते हैं। तीसरा लाभ है, यह विभिन्न आकार रूप और रंग में उपलब्ध होते हैं। अपना जो छठा प्रश्न है, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिक प्लास्टिक की में अंतर बताना है। तो हम अंतर बताएंगे थर्मोप्लास्टिक और इधर थर्मोसेटिक प्लास्टिक। पहला अंतर है, थर्मोप्लास्टिक आसानी से मुड़ सकता है जबकि थर्मोसेटिक प्लास्टिक मुड़ नहीं सकता है। गर्म करने पर इसका आकार बदल जाता है जबकि थर्मोसेटिक प्लास्टिक का आकार में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इनका पुनः उपयोग किया जा सकता है जबकि इसका पुनः उपयोग नहीं किया जा सकता है। थर्मोप्लास्टिक को गर्म करने पर इसे किसी भी सांचे में डाला जा सकता है।
जबकि थर्मोसेटिक प्लास्टिक को गर्म करने पर एक करने के बाद एक बार ही सांचों में डाला जाता है, उसके बाद दोबारा सांचों में नहीं डाला जाता है। इसके जो उदाहरण है थर्मोप्लास्टिक के, पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड इसका पूरा नाम है, और पॉलीथीन। इधर इसका जो थर्मोसेटिक प्लास्टिक है इसके उदाहरण है बैकेलाइट और मेलेमाइट आदि। धन्यवाद।